हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि इस वीडियो में आप बड़े नंबरों का डिवीजन करना बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जांपल के साथ कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे बड़े नंबर के डिवीज़न को, जिसमें हमको उसका टेबल भी याद नहीं है, उसके बाद भी हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अंदर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले बाहर वाला जो नंबर है, ये देखिए कितने डिजिट का है, 1, 2, 3, तीन डिजिट का है। तो अंदर के 1, 2, 3 तीन डिजिट को देखिए। अब ये तीन डिजिट अगर इससे छोटे हैं तो आप एक डिजिट और बढ़ा लीजिए, जैसे कि 125 243 से छोटा है तो इसमें एक नंबर और बढ़ा लीजिए, 1, 2, 3, 4 चार नंबर तक ले लीजिए, तो हो जाएगा 1250। अब हो गया बड़ा। अंदर वाला नंबर हमेशा हर कंडीशन में बड़ा होना चाहिए, तभी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब बड़ा हो गया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1250 आए या उससे कम आए, लेकिन इसका पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे। अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, ये लगभग कितना है, 250 के आसपास लिखा हुआ है, 250 के लगभग लिखा है, तो हम इसको 250 मान के पहाड़ा पढ़ें। तो कितनी बार पढ़ेंगे कि 1250 आ जाए। 250 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे, 500, तीन बार 750, चार बार 1000 और 5 बार में 1250 आ जाएगा। इसका मतलब है 5 बार पहाड़ा पढ़ना चाहिए। तो हमने 243 है, इसमें थोड़ा नंबर ज़्यादा बढ़ाकर माना है, 250 राउंड फिगर में, ठीक है, तो थोड़ा बढ़ाकर माना है। 5 बार पढ़ेंगे तो इससे कम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 5 का इसमें आप मल्टीप्लाई करिए सिंपली 243 में, और इसके नीचे लिख दीजिए चार नंबर के नीचे, 1, 2, 3, 4 इसके नीचे। तो 5 दिया, 15 की 5 हासिल लगी, 1 5 चौक 20 और 1 21 की 1 हासिल लगी, 2 5 दुना 10 और 2 12 होता है। इस तरह से हमने 12 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको माइनस किया जाता है, घटाया जाता है, तो सिंपली इसको घटा लेंगे। यहाँ पे 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, यहाँ पे बचा 4 क्योंकि एक उधार जा चुका था उधर, तो 4 में से 1 गया तो बचा यहाँ पे 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बचा 35। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसे नीचे उतार लेते हैं, तो 0 नीचे आ गया। अब ये लिखा है 350 और पहाड़ा हमें 250 का पढ़ना है, 250 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 250 दो बार पढ़ेंगे, 500 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। अब एक अंदाजे से लिख दिया है, अब एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, 243, ठीक है। 250 तो सिर्फ हमने माना है अंदाज़ा लगाने के लिए, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 243 आ गया। लाइन को खींच के फिर से माइनस करेंगे, यहाँ बचा 7, एक उधार आया तो 10, 10 में से 3 गया बचा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया तो बचा 1, इस तरह से 107 बच गया। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर फिर से नीचे उतार लेंगे, 0 फिर से नीचे आ गया, अभी हो गया 1070। अब पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1215 आएगा, जैसे कि पहले आया था। तो 5 बार पहाड़ा नहीं पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है 4 बार में, 1000 आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 चौक 16 और 1 मिला के 17 की 7 हासिल फिर से 1, 4 दुनी 8 और 1 9 होता है। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा 6, एक उधार लेंगे 6 16 16 में से 7 गया तो बचा 9, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और शेष फल में आपका 98 बचा है। ये आपका शेष फल है और भागफल यानी कि आपका आंसर आया है 154, ये आया है। लेकिन अगर शेषफल में कुछ भी ना बचा होता तभी आप इसे अपना आंसर कह सकते थे, लेकिन अगर शेषफल में कुछ बच जाए तो सिर्फ इस भागफल को अपना आंसर आप नहीं कह सकते हैं। अगर शेषफल में कुछ बच जाए तब आप अपना आंसर बताएंगे। सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे 514 और फिर लाइन इस तरह से खींचेंगे और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो यहाँ बचा है शेषफल में, 98 बचा है, और लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे थे, 243 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 514 सही, 98/243। तो आपकी डिवाइड का ये एक एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से बड़े नंबरों का डिवाइड अंदाज़ा लगाकर आप कर सकते हैं। तो इसी पर बेस आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसे भी देखते हैं कि हम बहुत आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, इसे भी देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बड़े नंबर का डिवीज़न है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 315। इतने बड़े डिजिट को हमें 24 से डिवाइड करना है, जबकि 24 का टेबल भी हमको याद नहीं है, उसके बाद भी हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 24, तो 24 को हम अपने अंदाजे के लिए मान लेते हैं 25, क्योंकि 25 का हम पहाड़ा अंदाज़ा लगा के पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये 1, 2 डिजिट का नंबर है, अंदर के 2 डिजिट को देखिए, यानी 1, 1 ये 2 नंबर लिखे हैं,
तो ये 11 लिखा है, तो 11 24 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है 11 24 से, इसलिए इसके साथ में एक नंबर और ले लीजिए, यानी यहाँ तक ले लीजिए 113 तक। तो 113 अब ये 24 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वाला नंबर हर कंडीशन में बड़ा होना ही चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 113 लिखा है, तो 24 का पहाड़ा में नहीं आता है, 25 का अंदाज़ा लगाएंगे। 25 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ें तो 100 आएगा, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 125 आएगा। तो 5 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 बार में 100 आएगा, अंदाज़ा लगा लिया है। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी, 1 4 दुनी 8 और 1 9 होता है, तो इस तरह से 96 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 3 में से जाएगा नहीं, उधार लेंगे 13, 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 13 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास 7 बच जाएगा, क्योंकि 6 और 7 13 होता है, तो 7 बच गया। यहाँ पे एक उधार इधर चला गया तो यहाँ बचा 0, एक उधार लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो बचा 1, 17 यहाँ बच गया। लाइन को आगे बढ़ाएंगे घटाने के बाद, अगला नंबर 1 है, 1 नीचे उतार लेंगे, अब 171 हो गया। 25 का पहाड़ा फिर से कितनी बार पढ़ें, 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 150, 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 175 आएगा। तो 7 बार नहीं पढ़ना है, कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 25 छंग 150 होता है। तो 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, और 6 दुना 12, 12 और 2 14 होता है, इस तरह से 14 आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे, यहाँ 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो बचा 2, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद देखिए नंबर जो आया है यहाँ पे वो इस वाले नंबर से बड़ा आ गया है। तो अगर हमने अंदाज़ा लगाया था 25 से, 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते तो 150, लेकिन आया तो 144 है, क्योंकि नंबर वो कम है, हमने थोड़ा बढ़ाकर अंदाज़ा लगाया था। तो 6 बार हमने अंदाज़ा लगा के किया, तो यहाँ पे घटाने के बाद जो नंबर आया है वो नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब 6 से एक और ऊपर तक हम इसको डिवाइड कर सकते थे, यानी कि 6 को यहाँ से हटाएंगे, इसको हम 7 बार डिवाइड करेंगे, यानी 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ से पूरा हटा देंगे। इस तरह से अगर आ जाता है कभी तो आप उसको हटा के फिर से आप कर लेंगे। तो अब 7 कैसे मल्टीप्लाई करिए, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी 2, और 7 दुनी 14 और 2 16 होता है। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ 11 में से 8 गया तो बचा 3, यहाँ 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर 5 है, 5 नीचे आ जाएगा, 35 हो गया। अब 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 24 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 24 आ जाएगा। लाइन को खींच के माइनस करेंगे, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। घटाने के बाद आप लाइन को आगे बढ़ाकर और वो अगला नंबर अगर होगा तो नीचे उतारेंगे। आगे कोई नंबर नहीं है तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका सवाल सॉल्व हो गया है। और शेषफल में 11 और भागफल आपका आया है 471, तो इस तरह से आप इसका आंसर बताएंगे, 471 सही। लाइन खींचेंगे 11/24 इस तरह से लिख देंगे, यानी कि जो नंबर नीचे बचा है वो लाइन के ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे, और भागफल यहाँ लिखेंगे 471 सही 11/24। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।